नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में शिक्षकों के लिए तय हुआ नया वेतनमान। बिहार में जातीय गणना पर एससी में हुई सुनवाई। बिहार पुलिस में जल्द होगी 26,000 पदों पर बहाली। मनीष कश्यप मामले पर कोर्ट में हुई सुनवाई। आईपीएल 2023, आज आईपीएल का डबल हेडर, गुजरात और हैदराबाद के पास बदला लेने का मौका। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एफएससीटी ने 74 पदों के लिए निकाली भर्ती। दी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी, ऑफिसर, टेक्नीशियन, सीनियर मैनेजर आदि के कुल 74 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को 10वीं पास होने के साथ साथ संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट प्राप्त किया होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट fact.co.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख को 16 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहार में शिक्षकों के लिए तय हुआ नया वेतनमान। अगर आप भी बिहार में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल बीते दिन यानी कि शुक्रवार को बिहार के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग की ओर से राज्य में नए नियम के तहत शिक्षक बनने वाले को अलग से स्लैब में वेतन निर्धारण पर मुहर लगा दी गई है। अब बस इस पर कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भविष्य में नए नियुक्त होने वाले वैसे शिक्षक जो कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें वेतन के तौर पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को 28,000 रुपए, 9 से 10 तक के शिक्षकों को 30,000 रुपए और 11वीं से 12वीं तक के शिक्षकों को 32,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं इसके अलावा शिक्षकों को अतिरिक्त भत्ते का भी लाभ मिलेगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कैलाश पुड़िया के बारे में। राजकेश्वर पुड़िया जीसीएस के, जिसे कैलाश पुड़िया के नाम से भी जाना जाता है, वह एक पूर्व मॉरिशस राजनेता है जिन्होंने 2012 से मई 2015 तक मॉरिशस के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें नेशनल असेंबली द्वारा मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना गया और 21 जुलाई 2012 को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का स्थान लिया जिन्होंने मार्च 2012 में इस्तीफा देने तक 2003 से राष्ट्रपति के रूप में 9 साल बिताए। कैलाश पुड़ियाग ने पहले संसद सदस्य, मंत्री और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1976 में कम उम्र में राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया। वह मॉरिशस में सर्वोच्च क्रम योग्यता दोनों के प्राप्त करता है। उन्हें 12 मार्च 1998 को ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन के ग्रैंड ऑफिसर और 12 मार्च 2009 को ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन के ग्रैंड कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें 23 अगस्त 2007 को पोर्ट लुइस शहर की मानव स्वतंत्रता का सम्मान मिला। 9 जनवरी 2013 को पुड़ियाग को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला जो 13वें प्रवासी भारतीय दिवस में प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। बिहार में जातीय गणना पर एससी में हुई सुनवाई। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति टीएस नरसिम्हा की पीठ के द्वारा बिहार में हो रही जातीय गणना पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता को कहा गया कि वह इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट जाए और अगर आप वहां से मिले फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि अब इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट के द्वारा 1 मई को सुनवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और ये उनके ही क्षेत्र में है, इसलिए बिहार सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है। राज्य के 11,500 सार्वजनिक वाहनों में लगे इमरजेंसी बटन। यात्रियों और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि राज्य के सभी सार्वजनिक वाहनों में इमरजेंसी बटन लगाए जाएंगे। वहीं इसको लेकर सरकार की ओर से सख्ती दिखाने के बाद अब तक राज्य के 11,500 वाहनों पर इमरजेंसी बटन को लगा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन विभाग के द्वारा इस कार्य को पूरा करवाने के लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया गया है। इसके साथ ही विभाग की ओर से यह भी आदेश दिया गया है कि सार्वजनिक वाहनों में इमरजेंसी बटन लगाने को तब सुनिश्चित किया जाएगा जब वाहनों का रजिस्ट्रेशन और परमिट किया जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए विभाग की ओर से एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसके डैशबोर्ड में उक्त डिवाइस लगे वाहनों की जानकारी मिलती है। परिवहन विभाग के अधिकारी के 5 ठिकानों पर छापेमारी।
आय से 1,38,00,000 से अधिक संपत्ति मामले को लेकर निगरानी विभाग के द्वारा कोर्ट से तलाशी वारंट लेकर किशनगंज परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक विकास कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि इस दौरान निगरानी विभाग के द्वारा किशनगंज के खगड़ा बहादुरगंज मोड़ स्थित SI के आवास की तलाशी में 80,000 नगद और 8 ATM कार्ड के अलावा बीमा में निवेश के कागजात बरामद किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निगरानी विभाग के द्वारा जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है उनमें किशनगंज में आरोपी के कार्यालय आवास के अलावा लखीसराय स्थित 2 जगहों पर उनके पैतृक घर और देवघर स्थित फ्लैट शामिल है। ये रहे फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के विजेता। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का समापन बड़े ही शानदार तरीके से हुआ। वहीं जब बात इस साल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के विजेता की जाए तो बेस्ट फिल्म का खिताब गंगूबाई काठियावाड़ी और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संजय लीला भंसाली को दिया गया है। वहीं फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को मिला। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड जुग जुग जियो के रंगसारी गाने के लिए कविता सेठ को। बेस्ट म्यूजिक एल्बम अवार्ड प्रीतम को फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सेवा के लिए दिया गया। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड और अमिताभ भट्टाचार्य को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सेवा के केसरिया गाने के लिए दिया गया। वहीं इसी गाने को लेकर बेस्ट कहानी के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड अरिजीत सिंह को दिया गया। बेस्ट कहानी के लिए अक्षत घिल्डियाल और सुमन अधिकारी को अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड भूमि पेडनेकर को फिल्म बधाई 2 और तब्बू को फिल्म भूल भुलैया 2 के लिए दिया गया। बिहार सरकार ने शुरू किया ट्रैवल पैकेज। बिहार पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थलों के भ्रमण को सुगम बनाया जा सके इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 5 रात और 6 दिन के लिए एक ट्रैवल पैकेज की शुरुआत की गई है। बता दें कि इस पैकेज के तहत यात्रियों को खाने से लेकर घूमने तक उत्तम प्रबंध मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रैवल पैकेज के तहत यात्रियों को बोधगया में महाबोधि मंदिर, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, विष्णुपद टेम्पल, मंगला गौरी टेम्पल, सीताकुंड का भ्रमण कराया जाएगा। वहीं राजगीर का पांडू पोखर, सोने भंडार, बिम्बिसार जेल, मनियार मठ, साइक्लोपियन वॉल, हॉट स्प्रिंग, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, रोपवे और विश्व शांति स्तूप घुमाया जाएगा और साथ ही यात्रियों को 3 तरह के भोजन और पेय पदार्थों के अलावा परिवहन, आवास और टूर गाइड की भी सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। बिहार पुलिस में जल्द होगी 26,000 पदों पर बहाली। अगर आप भी बिहार पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार बहुत जल्द ही बिहार पुलिस के 26,000 पदों पर बहाली होने वाली है। बता दें कि इसको लेकर नवंबर महीने में परीक्षा होने का अनुमान लगाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में इतने पदों पर बहाली की जा सके इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों से सिपाही और दरोगा के खाली पड़े पदों की सूची मांगी गई है। वहीं यह सूची सभी जिलों के द्वारा पुलिस मुख्यालय को इस महीने के अंत तक भेज दी जाएगी। मालूम हो कि सिपाही और दरोगा का चयन पर्षद के द्वारा 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। मनीष कश्यप मामले पर कोर्ट में हुई सुनवाई। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए कथित हिंसा के मामले को लेकर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार मनीष कश्यप के मामले को लेकर बीते दिन सुनवाई की गई। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु सरकार से सवाल किया गया है और पूछा गया है कि मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाने के पीछे का कारण क्या है, इस आदमी के खिलाफ ऐसे बदले की भावना क्यों है। वहीं इस सवाल का जवाब देने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा कोर्ट से समय की मांग की गई है। मालूम हो कि इस मामले को लेकर कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु सरकार को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था। इसके साथ ही मनीष कश्यप के वकील के द्वारा कोर्ट से मनीष कश्यप के खिलाफ चल रहे सभी केस को एक जगह सम्मिलित करने की भी मांग की गई थी। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 8 मई को की जाएगी। मुंगेर गंगा सड़क पुल पर अब नहीं चलेंगे ये वाहन। ओवरलोड वाहनों के परिचालन से मुंगेर में गंगा पर बने श्री कृष्ण सेतु पुल के अस्तित्व को खतरे में देखते हुए राज्य के परिवहन विभाग के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए DM को पत्र भेजकर रेल व NHAI के पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इस पत्र में परिवहन विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल के द्वारा मुंगेर के DM को मुंगेर रेल सह सड़क पुल से भारी वाहनों का परिचालन बंद करने की बात कही गई है और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्रांक 365 दिनांक 28 मार्च 2023 का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि पत्र के अनुसार अब इस पुल पर केवल 20 टन तक के भारी वाहनों के परिचालन को ही अनुमति दी जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे कष्टहरणी घाट के बारे में।
कस्टहरनी घाट मुंगेर जिले का एक प्रसिद्ध घाट है। यह घाट गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। घाट बहुत सुंदर है। इस घाट से गंगा नदी का दृश्य बहुत ही आकर्षक लगता है। यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। लोगों के अनुसार इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गंगा स्नान कर मंदिर में आराधना करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है और यहाँ पर अंग देश के राजा करण घाट पर स्नान कर अपनी दैनिक पूजा प्रारंभ करते थे। भगवान राम ने भी यहाँ स्नान कर विश्राम किया था। यह जगह बहुत पवित्र है और आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। बिहार का मौसम बना रहेगा शुष्क। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बदलते हालात के बीच में अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि प्रदेश का तापमान नियंत्रित रहने वाला है। बता दें कि अब स्थिति यह है कि दोपहर में भी कुछ जगहों पर पारा ऊपर जा सकता है, लेकिन असहज करने वाली गर्मी की स्थिति न के बराबर रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में गर्मी की स्थिति न के बराबर है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार दक्षिण बिहार में बारिश की गतिविधियां उत्तरी बिहार की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिलने वाली है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। देश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिणी भागों में एक या दो स्थानों पर बिजली और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की बात कही जा रही है और साथ ही मेघगर्जन की संभावना जताई जा रही है। अब किलकारी के बच्चे करेंगे सोच, छपेगी किताबें। बच्चों में अभी से शोध के कार्य की आदत को डाला जा सके और उन्हें अधिक जानकारी मिल सके, इसके लिए अब किलकारी के बच्चे भी शोध करेंगे और उनके द्वारा किए गए शोध की किताबें भी छपेंगी। बता दें कि शोध कार्य को पूरा करने के लिए किलकारी बाल भवन पटना के द्वारा 20 बच्चों की एक टीम भी बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन बच्चों के द्वारा जिन विषयों पर शोध किए जाएंगे उनमें बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाट्य कलाकार वीर सपूत, स्वतंत्रता सेनानी, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, संगीत और गायन से जुड़े कलाकारों के साथ ऐतिहासिक धरोहर शामिल होंगे। बता दें कि इनके द्वारा किए गए शोध की छापी गई किताबों को किलकारी और शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से हर स्कूल में पहुंचाई जाएगी। बिहार के इतने प्रतिशत अस्पतालों में नहीं है आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को देखने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा राज्य के सभी अस्पतालों का सर्वे करवाया गया था। बता दें कि सर्वे से यह बात निकलकर सामने आई है कि राज्य में सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर 9000 से अधिक यानी कि 48% ऐसे अस्पताल है जहां आग से सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसे में आग लगने की अनहोनी को देखते हुए और अस्पतालों के ऐसी स्थिति को देखते हुए विभाग की ओर से सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द आग से सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम को पूरा करे। बता दें कि इस मामले को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री शाहनवाज के द्वारा बताया गया कि आग से सुरक्षा को लेकर विभागीय स्तर से जाँच की जा रही है और जहाँ भी कमी पाई जा रही है उसे पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है। इसके साथ ही इस दौरान आग से सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण लगाने का भी सुझाव दिया गया है और साथ ही कंट्रोलिंग सिस्टम लगाने का भी निर्देश दिया जा रहा। राजद ने प्रदेश पदाधिकारियों की तीसरी लिस्ट की जारी। राजद के द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ताओं की सूची जारी करने के बाद बीते दिन तीसरी सूची जारी कर दी गई है। बता दें कि इस तीसरी सूची में महासचिव और सचिव के नाम शामिल हैं। हालांकि इस सूची में एक उपाध्यक्ष और एक प्रवक्ता के भी नाम को जोड़ा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जारी किए गए इस सूची के अनुसार मोहम्मद शफीक खान को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वहीं ऋषि मिश्रा को प्रदेश प्रवक्ता के रूप में चुना गया है। इसके अलावा इस सूची में 99 प्रदेश महासचिव और 98 प्रदेश सचिव के नाम शामिल है। मालूम हो कि प्रदेश महासचिव की सूची में मदन शर्मा, प्रेम कुमार गुप्ता, कुमार राहुल सिंह कई नाम शामिल है। वहीं प्रदेश सचिव के रूप में लौरिक यादव, सुरेश मेहता, सावन गुप्ता, सतीश पटेल समेत कई नाम शामिल है। राज्य में पहली से आठवीं तक के बच्चों के प्रदर्शन में आया सुधार। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में वार्षिक परीक्षा में कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों के प्रदर्शन में काफी सुधार आया है। बता दें कि वार्षिक परीक्षा में 10.09% बच्चों के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त किया गया है, वहीं 43.20% बच्चों के द्वारा बी ग्रेड और 34.88% बच्चों के द्वारा सी ग्रेड पाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जिलों के बच्चों के द्वारा सबसे ज्यादा ए ग्रेड पाए गए हैं उनमें जमुई, अरवल, सारण, खगड़िया, लखीसराय, नवादा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सिवान शामिल है। वहीं जिलों के बच्चों के द्वारा सबसे ज्यादा बी ग्रेड पाया गया है उनमें सिवान, बेगूसराय, शेखपुरा, खगड़िया, कटिहार, समस्तीपुर, औरंगाबाद, गया, लखीसराय और नालंदा शामिल है। इसके अलावा सबसे ज्यादा सी ग्रेड पाने वाले जिस जिले के बच्चे शामिल है उनमें मुजफ्फरपुर, सहरसा, सारण, शिवहर, सुपौल, अररिया, बांका, दरभंगा, गोपालगंज और मधुबनी जिला शामिल है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार लालू यादव पहुंचे पटना।
बीते दिन आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लगभग 9 महीने के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। बता दें कि इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और साथ ही उनकी बेटी मिशा भारती उनके साथ मौजूद थे। वहीं लालू यादव के वापस बिहार लौटे आने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिली। वहीं लालू यादव का स्वागत उनके समर्थकों के द्वारा जोरदार तरीके से किया गया। हालांकि डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद लालू यादव पटना तो आ गए हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा किसी से मिलने की सख्त मनाही की है। मालूम हो कि सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लालू यादव पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में अपनी बेटी मिशा भारती के घर रह रहे थे। पप्पू यादव ने जनता को बताया दो मुहाना। बीते दिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हो रहे पहलवानों के धरने में पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान जनता पर भी हमला बोला। दरअसल पहलवानों में से किसी ने कहा कि जनता पहलवानों के साथ गलत करने वालों को सबक सिखाएगी, जिस पर पप्पू यादव ने कहा कि जनता से खतरनाक कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या कोई हमसे ज्यादा जनता को जानता है। जनता दो मुहा नाग है और ये किसी का नहीं होता। बस 500 रुपए दीजिए और वोट खरीद लीजिए। उन्होंने कहा कि हमको मत सिखाइए जनता के बारे में। जनता जात पात हिंदू मियां के अलावा और कुछ नहीं जानता। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लगे नारे। बीते दिन राष्ट्रीय लोक जनता दल की पार्टी के द्वारा नालंदा के राजगीर में आयोजित किए गए राजनीतिक शिविर का उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी वहां मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह शिविर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हॉल में पार्टी की ओर से 3 दिनों के लिए आयोजित की गई है। मालूम हो कि इस कार्यक्रम में जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना जोश भराया कि उन्होंने नारे लगाते हुए कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा यह भी नारे लगाए गए कि उपेंद्र कुशवाहा वीर है, बिहार का तकदीर है। कार्यकर्ताओं के द्वारा बीते दिन इस शिविर के उद्घाटन समारोह में कार्यकर्ताओं के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। IPL 2023 आज IPL का डबल हेडर गुजरात और हैदराबाद के पास बदला लेने का मौका। आज IPL का डबल हेडर मुकाबला है। 39वें मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस का सामना दो बार की चैंपियन कोलकाता मुकाबला होगा, जबकि 40वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद भिड़ेंगे। गुजरात बनाम कोलकाता मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। गुजरात के पास टेबल टॉप करने का सुनहरा मौका है और कोलकाता की टीम से हिसाब बराबर करने का भी। पिछली बार जब दोनों टीमें भिड़े थे तब रिंकू सिंह ने यश दयाल के आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर KKR को ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। हेड टू हेड देखे तो दोनों टीम बराबरी पर है। दो बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ, जिसमें एक एक बार दोनों को जीत मिली है। इसके बाद दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। हैदराबाद को पिछले मुकाबले में दिल्ली के हाथों के 7 रनों से हार मिली थी। हैदराबाद दिल्ली से पिछली हार का हिसाब चुकाना करना चाहता है। दोनों ही टीमों की गेंदबाजी काफी मजबूत है, इसलिए नजर बल्लेबाजी पर होगी। हेड टू हेड देखे तो यहाँ भी दोनों टीम बराबरी पर है। अभी तक 22 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, जिसमें 11 बार दिल्ली ने तो 11 बार हैदराबाद ने जीत दर्ज की है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। दिल्ली में लाल किले की नींव 1639 में आज ही के दिन रखी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मित्र सहयोगी और विश्वासपात्र सलाहकार भामा शाह का 1547 में आज ही के दिन जन्म हुआ। सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का 1848 में आज ही के दिन जन्म हुआ। भारतीय तबला खिलाड़ी अल्ला राखा का 1919 में जन्म हुआ। पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के भारतीय कंडक्टर जुबीन मेहता का 1936 में जन्म हुआ। एक राजनेता के रूप में भारत के 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा सांसद के सदस्य रह चुके ई अहमद का 1938 में जन्म हुआ। भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा का 1979 में जन्म हुआ। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बालघर में आज हम बात करेंगे SBI के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे SBI के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि @ द ऑफिशियल SBI के नाम से एक फर्जी मैसेज जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपने खाते को समाप्त होने से बचाने के लिए प्राप्तकर्ताओं से एक संदिग्ध लिंक पर अपने पैन अपडेट करें। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें। SBI कभी भी व्यक्तिगत बैंकिंग विवरण मांगने वाले ईमेल SMS नहीं भेजता है। व्हाट्सएप ने पेश किया चैट लॉक फीचर। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए आए दिन नए नए फीचर रोल आउट करते रहता है। अब कंपनी ने यूजर्स के लिए एक नया चैट लॉक फीचर जारी किया है, लेकिन यह फीचर सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार
डब्ल्यू ए बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप के कुछ बीटा टेस्टर्स अब नए चैट लॉक फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक बेहतरीन फीचर है क्योंकि अब लोगों को किसी चैट को छिपाने के लिए व्हाट्सएप को पूरी तरह से लॉक करने की जरूरत नहीं है। इसके उलट अब यूजर्स सिर्फ उसी चैट को लॉक कर सकते हैं जिसे वे छिपाना चाहते हैं। यह भी दावा किया गया है कि यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए लॉक की कई चैट की तस्वीरें या वीडियो फोन की गैलरी में ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगी। इसे अपने फोन में इनेबल करने के लिए सबसे पहले अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के प्रोफाइल सेक्शन में जाएं, नीचे स्क्रॉल करें और चैट लॉक पर टैप करें। लॉक दिस चैट विद फिंगरप्रिंट ऑप्शन को इनेबल करें। अब आपकी चैट पूरी तरह लॉक हो जाएगी। देश का पहला रेल केबल पुल बनकर तैयार। देश को उसका पहला रेल केबल पुल मिल चुका है। बता दें कि रेलवे की महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना पर जम्मू कश्मीर में कटरा से रियासी को जोड़ने वाला भारतीय रेलवे पर पहला केबल स्टेटेड पुल बनकर तैयार हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पुल ठंड में अपना आकार नहीं बदलेगा, जिस वजह से ट्रेन के परिचालन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मालूम हो कि इस रेल केबल पुल की कुल लंबाई 725 मीटर की है, जिसमें 473 मीटर लंबी असममित केबल स्टे ब्रिज शामिल है, जो नींव के सिर से 193 मीटर की ऊंचाई के एक केंद्रीय पाइलन की धुरी पर संतुलित है, जो नदी से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। ब्रिज के केबल विशेष रूप से 15.7 मिलीमीटर व्यास के साथ डिजाइन किए गए हैं। केबल की लंबाई अधिकतम 80 मीटर से 295 मीटर के बीच है। स्टे केबल 31-37 या 43 तारों से बने होते हैं। अंशी केबल स्टे ब्रिज को लैटरल और सेंट्रल स्पैन पर कुल 96 केबल के साथ डिजाइन किया गया है। केबलों का कुल वजन 848.7 मेट्रिक टन है और इसमें शामिल केबल की कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेंद्र कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया, सदुल्लाह पलवी, अनिश मेहता, अली रेहान, रवि कुमार राम, रविशंकर, विनय कुमार, मंजय कुमार, सीता कुमारी, समर सिंह, दया शंकर प्रसाद सिन्हा, रजनीश, अनिल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में पहले की अपेक्षा गर्मी से राहत मिली है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।